नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। 4 बज चुके हैं और वक्त उछला है स्टेट बुलेटिन का। राजनांदगांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास कार्यालय में उनसे मुलाकात की। वहां इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भूरम देव में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय उन पर काफी जुल्म हुआ था, इसलिए इस बार हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश से विदेशों में गौ तस्करी वाले बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नरवा करवा बड़ी के माध्यम से इन्होंने गौ सेवा करने की बात कही थी, लेकिन उनके समय में कितनी गायों की मौत हो गई सबको पता है। उन्होंने कहा कि हम गांव अभ्यारण की शुरुआत कर रहे हैं, 15 अगस्त के आसपास 2-3 गांव अभ्यारण शुरू हो जाएंगे, जहां सड़क पर लावारिस गाय मिलने पर उसे गांव अभ्यारण में रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष निवास कार्यालय के बाद मुख्यमंत्री शहर के सन सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने क्लब हाउस में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें शाल श्रीफल भेंट करते हुए स्मृति चिन्ह स्वरूप नंदी की मूर्ति भेंट की। प्रेस वार्ता में या प्रेस इस मुलाकात में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ को विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाए, और वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राजनांदगांव जिला के अध्यक्ष आदरणीय रमेश पटेल जी और सभी मीडिया के साथी ना, आज श्रावण महीना का ये 3रा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन के सोमवार का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य कि भूरम देव में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना किए हैं, अभिषेक किए हैं, और उनसे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, वर्षा पानी अच्छा बरसे, अच्छा उपजे। और वहाँ अमरकंटक से नर्मदा का जल लेकर हजारों की संख्या में कांवरिये लोग आते हैं, 2 दिन पैदल चलकर खाली पैर चलकर आते हैं और भूरम देव में जलाभिषेक करते हैं। तो पिछले समय में उनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ था, तो इस बार उनके ऊपर फूलों की वर्षा किए हैं हेलीकॉप्टर से। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आपको बता दें, नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जहां रात में प्रकाश की आवश्यकता कम हो वहां ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवीन विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिजाइन, कलर पेंटिंग आदि के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। विधानसभा में 700 वाहनों की पार्किंग की जाएगी और उसकी जगह भी बनाई जाएगी। विधानसभा और ऊर्जा से संचालित हो सके, इसके लिए सोलर पैनल शिफ्ट हो गए हैं। विधानसभा भवन के हॉल को छत्तीसगढ़ के संस्कृति 3D पेंटिंग, आपको बता दें 3D पेंटिंग, दरवाजों पर कलाकृति, बस्तर आर्ट, जशपुर आर्ट, LED द्वारा प्रदर्शनी आदि से सुसज्जित किया जाएगा। नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण नवा रायपुर के सेक्टर 25 में ग्राम राखी में 44.67 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए नया रायपुर में स्थित सेक्टर 31 में भूमि का चयन किया जाएगा।
नगरपालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के अध्यक्षता में नगर निगम मेयर इन काउंसिल की बैठक मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन में हुई, जिसमें निर्धारित एजेंडा अनुसार चर्चा और विचार विमर्श किया गया। जोन 2 के प्रस्ताव अनुसार दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 के मंगल बाजार, खालबाड़ा, ककरी तालाब, कलिंग नगर आदि क्षेत्रों में सुबह जल भराव की समस्या होने और जल निकासी नहीं होने के कारण बारिश के समय घरों में पानी भर जाने की समस्या को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों में कवर्ड नाली और पुलिया निर्माण के लिए 1,64,21,000 रुपए तैयार प्रस्ताव को महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से स्वीकृत दे दी गई और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। बच्चर बैठे उसने इसको पूरा करके दिखाया, नहीं तो ये आज तक खाली कागजों में और जो बजट बनता है महापौर का वो हमेशा खड़े होकर पढ़ता था, उसको चौड़ा किया जाएगा मगर कभी चौड़ा नहीं, मतलब वो भी चौड़ा हो रहा है। खैर पारा चौड़ी करके हमने करके दिखाया, वो आप लोग देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कार्यकाल का कोई भी ऐसा काम जो बचा हो, आप इतने भी कार्यकाल को मत खत्म करो, अभी 5 महीना और। खैरागढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें, एसडीओ सौरव ताम्रकार को जनपद पंचायत छईकदान को बिल भुगतान के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, सौरव ताम्रकार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय राजनाथ गांव में पेश किया जाएगा और साथ ही धारा 7 पीसी एक्ट 1988 प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैनपुर नगर में नेशनल हाईवे 130 सी देवभोग रायपुर मुख्य मार्ग पर मुक्ति धाम की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया। साथ ही पूरे मैनपुर नगर के व्यापारियों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर चक्का जाम का समर्थन किया है। चक्का जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अमला मौके पर तैनात रहे और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे 130 सी देवभोग रायपुर मुख्य मार्ग को चालू किया गया। गरियाबंद तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर सहित हरदी भाटा में लंबे समय से मुक्ति धाम को लेकर क्षेत्र के लोग शासन प्रशासन से मांग करते थक चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या के समाधान नहीं होने के कारण मैनपुर क्षेत्र के लोगों ने मुक्ति धाम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पसंद किया। मैनपुर हरदी भाटा मुक्ति धाम की बेहद दयनीय स्थिति हो गई है। मुक्ति धाम के भीतर कीचड़, दलदल, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, जहां अंतिम संस्कार कार्यक्रम करने में नगर और क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकर आप मैनपुर में जो स्थल है जहां पर शमशान भूमि है, वहां जैसी अव्यवस्था है आज की परिस्थिति में, वहां दलदल है, पानी से भरा हुआ है और किसी भी व्यक्ति के हिंदू परिवार के मृत परिजन को ले जाकर जो वहां दाह संस्कार ले जाते हैं, वहां स्थिति है कि वहां पे रखें कहां और कैसे उसका अंतिम संस्कार हो, और अंतिम संस्कार के समय जो मनोवृत्ति होती है व्यक्ति की, आदमी दुखी होता है, वहां जैसी परिस्थिति वहां घृणा का भाव भी उत्पन्न होता है। ये परिस्थिति ये शासन प्रशासन के कारण, यहाँ की पंचायत, यहाँ के जनप्रतिनिधि के कारण ये बनी हुई है, जिस कारण से आज हिंदू समाज के एक बड़ा वर्ग जो है आकर के यहाँ बैठा है। और आखिर क्यों आज यहाँ बैठना पड़ा है, इसके पीछे जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, क्योंकि इससे पहले भी निवेदन किया गया था, आवेदन किया गया था। आखिर प्रशासन क्यों चाहती है कि लोग आकर के सड़क में बैठे? चाहते तो इससे पहले भी वो बातचीत कर सकते थे, कलेक्टर साहब हो, यहाँ के एसडीएम हो, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, आज यहाँ क्यों बैठना पड़ा है? इसके पीछे पूर्णतः जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के भटौता में सिंध नदी में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अचानक सिंध नदी का जल स्तर बढ़ने से पुल के निर्माण कार्य में लगे ओपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 18 मजदूर सिंध नदी के बीच टापू पर फंस गए, जिसकी सूचना कोलारस पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शिवपुरी से एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को बुलाया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
निकाला गया। बताया जा रहा है कि भडौता गांव के पास सिंध नदी पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है और कंपनी की द्वारा मजदूरों और अन्य स्टाफ को रोकने के लिए शेल्टर होम बनवाया गया है। खास बात यह है कि भटौता गांव से गुजरने वाली ये सिंध नदी दो भागों में बटी है, जिससे बारिश के दौरान यहां अक्सर बीच में टापू बन जाता है। बीच टापू पर फंसे लोगों ने बताया कि रात को शेल्टर होम में सोए थे, वो शेल्टर होम में रात में सोए थे आपको बता दें, और जब सुबह जागे तो चारों तरफ नदी ने घेर लिया। सर, जो आज भटौता पर लोग फंस गए थे, क्या है पूरा मामला? ये बड़ौता पे एक रोड का पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबर थे वो बीच में एक टापू बना हुआ है उस पर कुछ काम कर रहे थे, तो कल पूरे दिन से बारिश हो रही थी और रात में बारिश हो गई तो नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लगभग 18 लोग फंसे हुए थे उसमें, तो उनको अभी SDRF की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला के उनको बाहर रेस्क्यू कर लिया। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित शक्तिपथ पर 1500 डमरू वादकों ने मनमोहक लयबद्ध प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू के नाद से अवंतिका नगरी गूंजी। उज्जैन में 1500 वादकों ने डमरू वादन कर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के 488 डमरू वादन का रिकॉर्ड तोड़ा। सीएम मोहन यादव की पहल पर उज्जैन ने डमरू वादन का विश्व कीर्तिमान रचा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर श्रीनाथ ने डमरू वादन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को सर्टिफिकेट प्रदान किया। सीएम मोहन यादव ने डमरू वादन के विश्व रिकॉर्ड के लिए उज्जैन को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने लोकसभा निर्वाचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस और CRPF के पदाधिकारी को सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में 5 बजे शाम के बाद चुनाव की परिकल्पना को इस बार दिन भर मतदान से पूरा करने का काम प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस और CRPF के सम्मिलित प्रयासों से हो सका। उन्होंने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी पर बाहर से आई पुलिस और CRPF के जवानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, जिससे उन्हें अपने कर्तव्य निभाने में परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव में पूर्व से योजनाबद्ध होकर टीम की भावना से कार्य किया गया। निर्वाचन केवल एक व्यक्ति के बेहतर प्रदर्शन से नहीं किया जा सकता था, इसके लिए हर तरफ स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग की भावना से कार्य हुआ। रांची के चटिया थाना क्षेत्र में ई रिक्शा लूट की वारदात को रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, वहां ई रिक्शा चोरी को लेकर एक वारदात हुई थी, जिसका रांची पुलिस ने अब खुलासा किया है। आपको बता दें, इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी में 2 बिहार के हैं, जबकि 1 गोंडा का रहने वाला है। बता दें कि राजधानी में हाल के दिनों में कई ऑटो की चोरी हुई, इस मामले में इस गिरोह के मिले होने की आशंका है। कल चुटिया रेलवे स्टेशन के पास से एक ई रिक्शा वाले को जो है रात्रि 12 बजे के आसपास जो है 3 लड़के चाकू दिखा करके इसके रिक्शा को लूट करके ले चले। जैसे ही यह घटना हम लोग को प्रतिवेदित हुआ है, थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग को सूचित किया गया है। तत्काल सिटी DSP के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम बनाया और टीम जो है तत्काल उनके भागे गए दिशा की ओर हमारा रेडिंग टीम जो है उनका पीछा करना शुरू किया। काफी मशक्कत करने के बाद में हम लोग को चुटिया FCI गोदाम रोड में जो है वो ई रिक्शा की बरामदगी हम लोग के द्वारा किया गया और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र के झिरकी रविदास टोला में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे टोले के लोग सहमे हुए हैं। हत्यारा अकेले बाइक से आया था। घटना को अंजाम देते हुए वो झिरकी मुस्लिम मोहल्ले के रास्ते तेनूघाट की ओर फरार हो गया। अपराधी हाथ पैर में उसके खून लगा हुआ दिखा। परिजनों के अनुसार मृतक युवक मनीष मुंबई में काम करता था, अभी वो घर पर रह रहा था। परिजनों ने बताया कि मनीष नए घर में अकेले थे।
कुछ ही दिनों पहले और कुछ ही दूरी पर स्थित पुराने माफ कीजिएगा स्थित पुराने घर से उसकी मां नए घर में आई तो मनीष को खून से लथपथ पड़ा पाया गया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और मनीष को कथारा क्षेत्रीय अस्पताल ले गए। सूचना मिलते ही घटना को संज्ञान में लेते हुए कथारा ओपी बोकारो थर्मल थाना तेनुघाट ओपी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक यानी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आक्रोशित स्थानियों ने कथारा मोड़ पर धरना देकर रोड जाम कर दिया है। पलामू जिले के नवाजयपुर थाना क्षेत्र के कस्बा खाड़ में जिंदुई नदी पर बने पुल का पिलर धसने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। ये पुल महिला पंचायत और कस्बा खांड पंचायत के कई गांव को जोड़ती है। इस पुल से लगभग 5000 लोगों का आवागमन होते हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पुल 2013 से 2014 में निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन पूर्व विधायक सुधा चौधरी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन के 2-3 महीने के बाद पूर्व में ही बरसात की पहली बारिश में ही एक पिलर धस गया, जिसे कोलकाता से मशीन मंगवाकर पिलर को उठाया गया था, लेकिन इस वर्ष मतलब इस साल की बरसात के पहली मूसलाधार बारिश में ही पिलर फिर से धसने लगा है। अगली खबर है बिहार से। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, मंडल उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और रिबन काटकर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधक इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर परिषद सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, मंडल उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग और नगर सभापति राजकुमार, प्रमुख गंजा देवी, सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, डीआरडीओ मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों को वीडियो संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने अजगैवीनाथ मंदिर का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री के दर्जनों लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना और जीविका दीदी को बकरी पालन योजना का लाभ दिया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सके, उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना बकरी पालन सेट देकर गरीब परिवारों को रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। दस ऐसे गरीब परिवार जो बकरी पालन से जुड़े हैं उनको बकरी पालन के लिए सेट दिया है। ऐसे काम जो और भी जो कचरा प्रबंधन का काम किया है, वो ये जो प्लास्टिक यूनिट हमारा है उसका शुभारंभ किया है। तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिससे गांव और गांव के गरीबों को और ख़ास करके जो वंचित लोग हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। आवास दिया, बकरी सेड दिया, अभी आंगनबाड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहाँ घाट का निर्माण हुआ है और कई तरह के एक्टिविटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भी आप लोगों का जो सुझाव रहेगा उसके हिसाब से। पटना में सहायक उर्दू की अनुवादक की काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स रोड जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिसमें स्टूडेंट्स का आरोप था कि काउंसलिंग 2 साल पहले हो गई थी मगर अभी तक आयोग ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया और बिना मेरिट लिस्ट जारी किए मेंस के एग्जाम के लिए पीटी वालों को पास कर दिया, जबकि उनके मेंस के एग्जाम 3 साल पहले हो चुके हैं। अब उनकी मांग है कि मेरिट लिस्ट पहले जारी कर दें क्योंकि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। उनके कहने का मतलब है कि उनका मेरिट लिस्ट, हम लोगों का नाम हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, हम लोग अब क्या करेंगे अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता है तो। इसलिए हमारा कहना है कि पहले पुराना मेरिट लिस्ट जारी हो।
किशनगंज खगड़ा ओवरब्रिज पर सिलीगुड़ी से पूर्णिया जा रही बस में अचानक आग लग गई। हालांकि बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यात्री जैसे ही बस से बाहर निकले, बस में आग और भड़कने लगी। बस धूं धूं कर जलने लगी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समीर ट्रेवलर्स बस किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी से पूर्णिया जाती है। बस करीब 1:10 पर सिलीगुड़ी से किशनगंज बस स्टैंड पहुंची। बस वातानुकूलित थी और इसके बाद किशनगंज बस स्टैंड से पूर्णिया के लिए खुली। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस जैसे ही खगड़ा ओवरब्रिज पर पहुंची, चालक के पास वाली सीट में गियर बॉक्स से अचानक धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। इसके बाद यात्री अपना सामान छोड़कर बस से नीचे उतरने लगे। बस में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल स्टेट बुलेटिन में इतना ही।